दोस्तों, अगर आपने हमारा फाइबर डॉक्टर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल का आइकॉन है इस पर क्लिक करने से हमारे चैनल की जो अपलोड होंगी आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच सके। आज मैं माइक्रोवेव सिक्योरिटी मेजरमेंट के साथ हाजिर हूँ। हमने फाइबर और माइक्रोवेव की अगर इंस्टॉलेशन करनी हो तो ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं इनको आपकी सेफ्टी के लिए ये मस्ट है। इसमें जो प्रोटोकॉल नंबर वन है कि आपके पास ग्लव्स का होना बहुत जरूरी है। नंबर टू, आपके पास हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। काम दौरान कोई ग्लास जग नट वगैरह गिर ना जाए, सर पे ना लग जाए। तीसरा जो है फर्स्ट प्रोटोकॉल में बेल्ट का बांधना जरूरी है। चौथा जो है आपका जैकेट का पहनना बहुत जरूरी है। ये माइक्रोवेव के लिए मस्ट है। आगे चलते हैं सेकंड प्रोटोकॉल में। ये जब आप सिस्टम लगाएंगे तो ये सेकंड प्रोटोकॉल एंटी स्टैटिक किट लगाना चाहिए। उसके बाद शॉर्ट सर्किट से बचना चाहिए तो गेज इस्तेमाल करना चाहिए। आपका जो ड्रेस है वो वर्किंग ड्रेस होना चाहिए। ग्लव्स का पहनना बहुत जरूरी है। और थर्ड में आपके पास इंसुलेटेड शूज और इंसुलेटेड टूल किट का होना जरूरी है। जब हम आते हैं सेफ्टी टू इक्विपमेंट में, तो सेफ्टी टू इक्विपमेंट में हमारा फर्स्ट प्रोटोकॉल जो है ग्राउंडिंग है। सेकंड आपका क्या है, स्टैंडर्ड मेंटेनेंस। नंबर चार, अर्थिंग। नंबर पांच, मेंटेनेंस ऑफ गेज। आगे चलते हैं जी सेकंड प्रोटोकॉल में पावर एंड एम्पलीफायर, लोड, स्विच एज पर स्टैंडर्ड स्विचेस, अर्थ गेज का होना जरूरी है जी। थर्ड प्रोटोकॉल में क्या है जी, पैकिंग, ओपनिंग टूल किट, एंटी मॉइस्चर किट, आई साइड, ताकि आपको फायर से प्लेसिंग करने में आसानी हो। आगे आते हैं फोर्थ प्रोटोकॉल में। ये सेफ्टी बता रहा हूं मैं आपको, क्या बता रहा हूँ, सेफ्टी है ह्यूमन बॉडी की और इसकी इक्विपमेंट की। तो पहले फेज में मैंने आपको ह्यूमन बॉडी की बात की, इसी बात की ह्यूमन बॉडी की, और सेकंड फेज में इक्विपमेंट सेव करने की बात कर रहा हूँ। किसकी, इक्विपमेंट सेव करने की। तो आते हैं फोर्थ में, क्या करना है आपने, लोडिंग अनलोडिंग। नंबर तीन, आप में स्किल्ड होनी चाहिए, आप में काम का म्यास होना चाहिए। आखिर में आगे है फिफ्थ प्रोटोकॉल में, टेक्निकल साइड की बात कर रहा हूँ। रिएक्टिविटी आपकी होनी चाहिए कंपनी के साथ, ठीक है। ओनरशिप लेंगे तो काम होगा, डिसिप्लिन होगा तो काम बेहतर होगा, आउटपुट ज्यादा निकलेगी और कंपनी को एडवांटेज मिलेगा। आपकी सेफ, कंपनी सेफ, इक्विपमेंट सेफ। थर्ड क्या है, अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। अगर ये चीजें नहीं है आप एक अच्छा प्रोफेशनल नहीं बन सकते। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर का खुलासा ये है, सेफ्टी एंड सेफ्टी टू ह्यूमन बॉडी और सेफ्टी टू इक्विपमेंट। थैंक यू जी, मुझे याद रखिए नहीं मतलब।